हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हमें ट्रिग्नोमेट्री, 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है। और प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर को करना बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम ये चैप्टर पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो इससे हमारा 9th चैप्टर भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा 12th चैप्टर भी जुड़ा हुआ है, और बिल्कुल स्लाइटली, ठीक है, 13 और 10th भी चैप्टर बिल्कुल माइनर रूप से जुड़ा हुआ है, बहुत ही कम, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा भी नहीं। लेकिन इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बलबूते हम वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति, हाँ जी बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति क्या है बच्चों? त्रिकोणमिति ये है कि आप जब किसी त्रिकोण यानी तीन कोण वाले ज्यामिति से, तीन कोण वाले ज्यामिति से ट्रिग्नोमेट्री, तीन कोण वाले है ना, ट्राई, ट्राई मतलब तीन, तीन कोण वाले, तीन एंगल वाले किसी ज्योमेट्रिक शेप में हम काम करें, क्या करें, किसी तीन कोण वाले, तीन एंगल वाले ज्योमेट्रिक शेप में काम करें। ठीक है, चलिए जी काम करते हैं ज्योमेट्रिक शेप में। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है जी, समकोण त्रिभुज। ठीक, अब बच्चों ये जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये क्यों बोला गया इसे समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। कितने पर है ये, 90 डिग्री पर है। ठीक है बच्चों, और ये 90 डिग्री पर होने की वजह से, 90 डिग्री पर होने की वजह से हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री को आप राइट एंगल पे सॉल्व कर सकते हो, आप किसी भी ट्रायंगल पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो आपको आगे की क्लासेस में सिखाया जाएगा, और 10th क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल पे सिखाया जा रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाला बच्चों कौन होता है, हाइपोटेनियस होता है, मतलब कर्ण होता है, जबकि 90 डिग्री से ऊपर जाने पे या नीचे जाने पे परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक, और 90 डिग्री से ऐसे लेटा हुआ जो होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं लंब, और जो लेटा हुआ इसे हम कहते हैं आधार, हिंदी में क्या कहते हैं, आधार, और इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों बेस, क्या कहते हैं, बेस। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिए, अब बच्चों अब हमें क्या बात करनी है, लेकिन इस चैप्टर में 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर कभी बदल भी सकता है, परपेंडिकुलर कभी यहां भी आ सकता है, परपेंडिकुलर कभी यहां भी आ सकता है, बेस कभी यहां भी आ सकता है और कभी यहां भी आ सकता है। तो मतलब ये परपेंडिकुलर और जो बेस होंगे, लंब और जो आधार होंगे, ये अपने प्लेस को लगातार बच्चों चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस। जिस तरह के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होंगे उसी तरह का आपका परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहेगा। ठीक है, तो नोट कीजिए इसे, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, चलिए, चलो नोट कर लिया होगा। अब इसी में आगे देखो क्या बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन, आगे कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अब जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं कुछ ट्रायंगल बना देता हूं, जैसे ये ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ये ट्रायंगल बना लिया,
ए बी और ये सी, ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, पी क्यू आर, ये ट्रायंगल बना लिया, पी क्यू आर, इस तरीके से। अब बच्चों, अब बात आती है कि अगर आपसे बोला गया है कि ए एंगल के हिसाब से बताओ, कौन से एंगल के हिसाब से, ए एंगल के हिसाब से बताओ कि परपेंडिकुलर कौन है, ए एंगल के हिसाब से बताओ कि परपेंडिकुलर कौन है, तो बच्चों याद रखना, जिस भी एंगल के हिसाब से काम करने के लिए बोलेंगे उसी हिसाब से काम करना है। जैसे अगर बोला एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, तो याद रखना बच्चों, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इट मींस ए एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, जबकि ए एंगल के हिसाब से बेस कौन है, तो इसके साथ लेटा हुआ, तो लेटा हुआ कौन है, ए बी। और बच्चों हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है। अब इसी तरह अगर मान लो कह रहा है सी एंगल से बताओ, सी एंगल से परपेंडिकुलर कौन है, तो सी एंगल के सामने वाला ए बी, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसके साथ लेटा हुआ ये हो गया बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत। इसी प्रकार बच्चों अगर वो बोलता पी से, पी से बताओ परपेंडिकुलर कौन है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके साथ लेटा हुआ बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला भाई क्या, हाइपोटेनियस। इसी तरह यहां भी अगर मान लो आर एंगल का बोलता हूं, तो आर एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये, ठीक है, बेस कौन होगा, लेटा हुआ ये, और 90 डिग्री के सामने वाला कौन होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने ये सीख लिया कि अगर कोई भी एंगल काम करने के लिए आता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को सिलेक्ट करते हैं, आधार और लंब को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए, फिर कुछ फॉर्मूले कराता हूँ और कुछ नई बातें बताता हूँ। हाँ जी बच्चों, ये नोट कर लिया होगा आपने। आप देखो, हाँ जी, अब अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, तो बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात 6 तरीके के होते हैं। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोसिकेंट, पांचवा सीकेंट और छठा कोटेंजेंट। ये 6 तरीके के बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, और इनका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो इस तरीके से होता है, साइन कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टेन, कोसिकेंट का कोसेक, सीकेंट का सेक और कोटेंजेंट का कॉट। तो ये बच्चों इनका शॉर्ट फॉर्म होता है इन सभी का। अब एक बात याद रखना बच्चों, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो हमें दिए हुए हैं, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो तब तक अधूरे हैं, तब तक अधूरे हैं जब तक इनके साथ एंगल ना लगा हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 एंगल वाले ज्योमेट्रिक शेप में काम करना, त्रिकोणमिति 3 एंगल वाले क्या भाई, 3 एंगल वाले कोण के साथ, एंगल के साथ काम करना। तो इसीलिए हम यहां पे ये जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो का इस्तेमाल करेंगे वो विदाउट एंगल यूज नहीं कर सकते। जब तक आपको एंगल नहीं मिलेगा तब तक आप भाई इसे कवर नहीं कर सकते। एंगल मिलने के बाद ही आप इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हो, यानी अगर खाली साइन खाली कॉस खाली टेन खाली कॉसेक खाली सेक खाली कॉट लिख दिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है,
इसका मतलब तभी बनेगा बच्चों जब हम इसके साथ एंगल लेंगे। अब एंगल क्या हो सकता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये सब क्या है भाई, एंगल। थीटा बच्चों ऐसे बनाना है, देख लो इस तरीके से, ऐसे कुछ बच्चे ऐसे बना देते हैं तो क्यू हो जाएगा ये, क्यू नहीं, थीटा बनाना है, थीटा ऐसे बनता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है थीटा ही लो आप, साइन ए, कॉस ए, बी सी कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे टेन बी भी ले सकते हो, कॉसेक पी भी ले सकते हो, सेक टी भी ले सकते हो। ठीक है, कॉट है ना, जेड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, वो तो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। आप अल्फा बीटा भी ले सकते हो, जैसे साइन अल्फा, कॉस अल्फा, या टेन बीटा, ठीक है, या कॉसेक गामा, कुछ भी ले लो। ठीक है, सेक सेक डेल्टा, ठीक है, इस तरीके से कॉट, ठीक है, कॉट फाई, ऐसा कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कोई भी सिंबल यूज करो, बस ये याद रखना है ये अकेले नहीं रहेंगे। ये क्या नहीं रहेंगे, अकेले। और बच्चों ये जो लिखा है मैंने, ये सब कौन है, ये सब कौन है बच्चों, ये सब एंगल है। ये सब कौन है, एंगल। कौन है, एंगल मतलब कोण है। ये सारे, ये सारे कोण है बच्चों, कोण है ये सारे। और विदाउट एंगल, विदाउट कोण, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं बच्चों, अधूरे होते हैं। इसलिए आप सभी को जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखने हैं, विद क्या लिखने हैं, एंगल, यानी एंगल के बिना ये अधूरे हैं, इसलिए एंगल के साथ लिखना है। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे कुछ और फॉर्मूले बताता हूँ। हाँ जी बच्चों, ये में डाल लिया होगा आपने, सॉरी नोट कर लिया होगा, उल्टा ही बोल गया हूँ। चलो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं, वो फॉर्मूले देखिए। जैसे बच्चों साइन थीटा मतलब साइन कोई भी एंगल उल्टा होता है 1/अपॉन में कॉसेक थीटा के। किसका उल्टा होता है, 1/अपॉन में कॉसेक थीटा के। और वही अगर अब मुझे पता चल गया कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा बच्चों, जल्दी बता दो, साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कॉस थीटा होता है बच्चों उल्टा किसका, सेक थीटा का। और जब कॉस का उल्टा सेक थीटा है, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/कॉस थीटा। ठीक है, यह आप सभी को फॉर्मूले याद करने हैं। इसी प्रकार बच्चों टेन थीटा किसका उल्टा होना चाहिए बताओ, छठा कौन था, कॉट थीटा। और जब टेन का उल्टा कॉट है, तो कॉट का उल्टा क्या होगा, साइन और टेन थीटा। ठीक है जी, अब ध्यान रखिए बच्चों, टेन की वैल्यू सिर्फ कॉट से ही नहीं, टेन की वैल्यू साइन और कॉस से भी निकलती है। टेन की वैल्यू किससे निकलती है, साइन से और कॉस से। तो कैसे निकलेगी, टेन का एक फॉर्मूला और होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये किसकी वैल्यू है, टेन की। अब जब टेन की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो कॉट की वैल्यू तो इसकी उल्टी होगी, और उल्टी करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों,
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है? चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए बच्चों इसको, चलिए देखेंगे जरा। हाँ जी, अब एक फॉर्मूला आता है बच्चों, पी बी पी एच एच बी, हिंदी में एल ए एल के ए। अब यहां पे मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पी का मतलब यहां लिख देता हूं, पी का मतलब परपेंडिकुलर, इसका मतलब एल, पी जो है वो किसके बराबर है, एल का, और एल क्या होता है बच्चों, लंब। इसी प्रकार बी, बी क्या है, बेस, और बी की जगह पे कौन है, ए, और ए क्या होगा बच्चों, आधार। इसी प्रकार क्या है बच्चों, के यानी एच, सॉरी एच का मतलब हाइपोटेनियस, के मतलब क्या है बच्चों, कर्ण। तो इस तरीके से हमने इसको सिंबल्स में बांटा है बच्चों, और अभी इसी सिंबल से हम लोग एक एक करके रिजल्ट निकालेंगे। जैसे साइन थीटा, बच्चों साइन थीटा क्या होता है, ये देख रहे हो पहला वाला, ये पहला हिस्सा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा का होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में साइन थीटा का कौन है बच्चों, लंब बटा कर्ण, क्या है, लंब बटा कर्ण। इसी प्रकार बच्चों कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बीच वाले के बराबर, बीच क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इसी चीज को हिंदी में कैसे लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, ये कॉस थीटा का होता है। फिर इसी प्रकार बच्चों टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लास्ट वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या है, परपेंडिकुलर, लंब बटा आधार, ठीक है जी। अब आप सभी जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। तो भाई अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटा लंब। अगला इसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक। हाँ जी, तो अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार टेन थीटा, हाँ जी टेन थीटा, अगर टेन थीटा सॉरी 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 टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो अगर टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट की क्या होगी बच्चों, पलट दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए इसे फटाफट जल्दी से, फिर आगे बढ़ाता हूँ इसे। नोट कीजिए, हो गए बच्चों, चलो देखेंगे जरा। अब निकाल लीजिए 8.1, अब निकाल लीजिए 8.1,
हाँ जी बच्चों चलिए, 8.1, 8.1 निकाल लीजिए सभी बच्चे, 8.1। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, और बी 90 डिग्री पे रखा, जिसमें कह रहा है ए बी जो है वो आपका 24 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि भाई साइन ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू क्या है, सेकंड साइन सी की वैल्यू क्या है और कॉस सी की वैल्यू क्या है। ठीक है जी, बता देंगे क्या दिक्कत है इसमें। तो सबसे पहले ये देखो, 90 डिग्री से ऊपर परपेंडिकुलर है जी, 90 डिग्री से लेटा हुआ बेस, हाँ जी है, और 90 डिग्री के सामने कौन होता है, हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू नहीं है। तो अगर कभी भी 90 डिग्री के ट्रेंगल में दो वैल्यू दी हो और तीसरी निकालनी हो, या ये दो दी हो ये निकालनी हो, या ये दो दी हो ये निकालनी हो, कोई सी भी दो दी हो और तीसरी निकालनी हो, तो बच्चों हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर। चलिए बच्चों, तो हाँ जी, हाइपोटेनियस कितना है, ए सी का स्क्वायर, आधार कितना है, ए बी का स्क्वायर, लंब कितना है, बी सी का स्क्वायर। हाँ जी, तो ए बी की वैल्यू 24 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का 49, ऐड करोगे 625। ए सी का स्क्वायर, बच्चों स्क्वायर आके इधर बन जाएगा रूट और ये आ जाएगा 25, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। सॉरी, अब उसने बोला है फर्स्ट पार्ट में कि साइन ए की वैल्यू निकालो। अब बच्चों मुझे इतना बता दो, साइन होता क्या है, फॉर्मूला अपने सामने रखेंगे सभी बच्चे, क्या होता है साइन, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना, देखो जल्दी फॉर्मूले में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा जी, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो मुझे ये बताइए कि ए के हिसाब से साइन के बाद का एंगल चेक करो, साइन के बाद एंगल कौन सा है, ए, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, बी सी। और हाइपोटेनियस हमेशा याद रखना बच्चों, हाइपोटेनियस फिक्स होता है, हमेशा हमेशा फिक्स होता है 90 डिग्री सामने वाला। तो एंगल ए साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर साइन के हिसाब से, ए के हिसाब से कौन है, बी सी, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है ए सी। तो साइन ए की वैल्यू जल्दी बता दो कितनी आ गई, बी सी की वैल्यू 7, ए सी की वैल्यू 25, आ गया आंसर। इसी तरह कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या हो गया भाई, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आधार बटे में कर्ण। तो बच्चों बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस देखना है किसके हिसाब से, देखना है ए के हिसाब से। तो ए के हिसाब से बेस कौन है, ए के साथ लेटा हुआ, तो ए के साथ लेटा हुआ कौन है, ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है, 90 डिग्री सामने वाला, ए सी। तो ये आ गया 24/25 आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड में साइन सी निकालना है, तो साइन सी का मतलब क्या हुआ बच्चों, साइन सी का मतलब हुआ कि साइन, पहले पहले साइन पता करो, साइन क्या होता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फॉर्मूले में निकाल कर रख रखा है ना सभी ने, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। तो हाँ जी, अब लंब जो देखना है वो किसके हिसाब से देखना है, परपेंडिकुलर सी के हिसाब से देखना है। तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, ए बी, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और बेस यानी हाइपोटेनियस फिक्स होता है ए सी। तो ए बी कितना आ गया, 24/25। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, कॉस सी, हाँ जी, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आधार बटे में कर्ण, और वो देखना किसके हिसाब से है, सी के हिसाब से। तो सी के हिसाब से बेस कौन है, बी सी, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है ए सी। तो 7/25 आंसर, ऐसे करना है। मतलब एक बार आप तीनों साइड से निकाल लो तो आपके लिए क्वेश्चन करना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे कराता हूँ। नोट हो गया, बस वीडियो पॉज कीजिए और नोट करते चलिए। ठीक है, अब हम करेंगे
क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो ये छोड़ दो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है आपको पहले से एक फिगर दी गई है, पी क्यू आर ये दिया गया है सेंटीमीटर। पाइथागोरस लगाएंगे भाई, आपको मैंने क्या बताया था, जब दो दिया हो तो तीसरा निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस से। तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर, 90 डिग्री से ऊपर वाला पी क्यू, और बेस इसके साथ लेटा हुआ क्यू आर। हाँ जी, पी आर कितना, पी आर है 13 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है पता नहीं जी। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, क्यू आर का होल स्क्वायर 144 बच्चों, इधर आके होएगा माइनस, तो क्यू आर का होल स्क्वायर कितना बचा 25, ठीक है। और स्क्वायर इधर आके अंडर रूट, 25 का क्या होता है जल्दी बताओ, 5 होता है, तो इसका मतलब हमारा ये जो आ गया वो आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आपसे निकालने के लिए बोल रहा है टेन पी माइनस कॉट आर, ये निकालने के लिए बोला आपको, टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है जी। टेन पी, पहली बात तो ये बताओ टेन होता क्या है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब लंब बटा आधार, और लंब जो चेक करना वो किसके, लो जी पी के, जल्दी देखूं तो कॉट पहली बात होता किसका उल्टा है, टेन का, कॉट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस लंब नीचे, और देखना आर के हिसाब से आधार लेटा हुआ कौन है भाई, क्यू आर, और लंब लंब क्यू, तो बस ये भी हेलो। हाँ भाई ठीक है, तो क्या आ गया, ये 0 आ गया, नोट करो इसे फटाफट। जल्दी जल्दी कीजिए, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है अपना, ये तो सेकंड था, अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे थर्ड। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, ठीक है जी। चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर थ्री। आपसे बोला है कि साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4, आपको बाकी की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए, टेन ए, कॉस एक ए, ठीक है, और क्या है सेक ए और कॉट ए। वैसे दो दिया हुआ है इसमें, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बोल रहा हूं, सब सारे वैल्यू निकालो, सब की सब वैल्यू निकालो। चलिए साइन की वैल्यू दी है, बाकी 5 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होता है बच्चों ये, कैसे करते हैं देखो प्यारे बच्चों, मुझे इतना बताओ साइन की वैल्यू होती क्या है। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होती है ना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो
क्या इस हिसाब से ये ऊपर है तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, क्या ये नीचे है तो क्या ये हाइपोटेनियस नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा। तो बस बात खत्म, यानी कि ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, ऊपर वाला हमारा हो गया लंब और नीचे वाला क्या हो गया हमारा कर्ण। तो बस भाई बात खत्म, हमें ट्रायंगल बनाना है अपनी तरफ से। साइन ए दिया हुआ है तो इसका मतलब ए बी सी, और साइन के साथ ए दिया हुआ है तो हम सारा काम कौन से एंगल के हिसाब से करेंगे, ए एंगल के हिसाब से। तो बच्चों ए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दी है, 4। यहां पे हम करेंगे पाइथागोरस यूज, तो यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस हिंदी वाले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यानी प्रमेय प्रयोग करने पर। हाँ जी, तो पाइथागोरस में हाइपोटेनियस कौन है, ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर लंब हो गया, आधार ए बी का स्क्वायर, ए सी हो गया 4 का स्क्वायर, बी सी हो गया 3 का स्क्वायर, ए बी हमें पता नहीं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस प्लस का 9 इधर आके माइनस का हो गया, तो ये आ गया 7 ए बी का स्क्वायर, और स्क्वायर यहाँ के रूट बन गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √7। अब बस बात खत्म, बस बात खत्म, क्या करना है अब। हाँ जी, कॉट ए की वैल्यू, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब हमें एक एक करके वैल्यू निकालनी है, तो पहले कॉस ए की वैल्यू निकालो, कॉस ए। हाँ जी बताना जरा, कॉस क्या होगा, कॉस होता है आधार बटे में कर्ण, क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो किसके हिसाब से, ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से आधार कौन है, ए बी, और कर्ण कौन है, फिक्स ए सी, तो आंसर आया √7/4, खत्म कहानी। अब आता है टेन ए। हाँ जी टेन ए, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी लंब बटा आधार, तो टेन के साथ कौन है, ए, तो ए के हिसाब से लंब कौन होगा, बी सी, और आधार कौन होगा, ए बी, तो बी सी की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू √7, आ गया आंसर, किसका आंसर है ये, टेन ए का। नाउ अब बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस भी निकल गया, टेन भी निकल गया, निकालना है कॉसेक, तो जल्दी बताओ कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, याद है कॉसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन ए का, किसका, साइन ए का। फॉर्मूले देख सकते हो आप, फॉर्मूले देख के करना है सभी को, ठीक है। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, और साइन की वैल्यू कितनी दी है, 3/4। तो आपको मैं बता दूं, जब भी नंबर के नीचे फ्रैक्शन हो या फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो, तो नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाता है, नीचे वाला फ्रैक्शन पलट जाता है, तो पलट जाएगा, तो 4 ऊपर 3 नीचे, ये हमारा कॉसेक ए आ गया। अब कॉसेक के बाद क्या रह गया, सेक, नाउ सेक ए, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, ठीक है, और कॉस की वैल्यू आई है √7/4, फिर से फ्रैक्शन पलट दोगे, 4/√7 सेक ए। अगला क्या है, कॉट ए, तो कॉट ए, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन ए का, हाँ भाई टेन, टेन क्या है, पलट दोगे तो √7 ऊपर 3 नीचे, तो ये आपका कॉट ए आ गया, जल्दी करो। चलिए बच्चों आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों फोर्थ, ठीक है, जो कि ये दिया हुआ है आपको,
ये मिटा रहा हूं बच्चों में। ओहो हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन है 15 cot A = 8, ठीक है। और आपको फिर से वही बोला, बाकी की वैल्यू निकालो, साइन ए की, कॉस ए की, टेन ए की, कॉसेक ए की, ठीक है, और क्या है सेक ए, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है जी, कर देंगे। 15, नाउ 15 cot A = 8। 15 बच्चों, अब देखो ये कॉट है और ये दोनों कौन है डिजिट, तो 15 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा, वहां जाके क्या करेगा जल्दी बता दो, यहां आके करेगा डिवाइड, तो कॉट ए बराबर कितना हो गया 8/15, कॉट कितना हो गया 8/15। अब अगर मैं ट्रायंगल पे इसके लिए काम करूं ए बी सी, तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता है कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो अगर बच्चों ये बेस है, ठीक है, तो ये नीचे वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब ये आधार हुआ और ये लंब हुआ, तो आधार किसके हिसाब से हुआ, ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से बेस लेटा हुआ होता है, तो हाँ जी बेस कितना हो गया 8, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन होता है, एंगल के सामने वाला, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया 15, ठीक है। तो अब जल्दी से बताइए कि भाई हाइपोटेनियस कितना होगा, तो यूजिंग पाइथागोरस, और बच्चों मैं सेल्फ सेल्फ सॉल्व कीजिए, सेल्फ सॉल्व कीजिए इसे, और मैं जानता हूं पाइथागोरस जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका हाइपोटेनियस आएगा 17, क्यों, क्योंकि आपका AC का स्क्वायर बराबर आएगा 289, और AC अंडर रूट 289 क्या होता है बच्चों 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो ये 17 आ गया। अब जहां तक मुझे लगता है कि सारे काम आप खुद कर सकते हो, कैसे, साइन ए, तो साइन ए का मतलब क्या हुआ, साइन ए का मतलब हुआ साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर किसके हिसाब से चेक करना है, ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे, ए के हिसाब से हम चेक करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन है BC, और हाइपोटेनियस तो मैंने बता रखा फिक्स होता है AC, तो BC कितना है 15 और ये कितना है 17, तो साइन ए आ गया। इसी तरह से कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, किसके हिसाब से ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से बेस कौन है AB, और हाइपोटेनियस फिक्स होता है AC, तो मतलब 8/17। इसी तरह टेन ए, टेन क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर किसके हिसाब से ए के हिसाब से, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर BC और बेस कौन है AB, तो 15/8। इसी तरह कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा उल्टा 17/15। सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो ये भी पलट जाएगा और ये बन जाएगा 7/17। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कितने का करा दिए, 4 तक करा दिए, और आप घर से क्वेश्चन नंबर कौन कौन से करेंगे, अब फिफ्थ सिक्स्थ सॉरी सिक्स्थ नहीं सेवन्थ एट्थ, बस ये 3 क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई करेंगे, फिफ्थ सेवन्थ एट्थ, जो नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में 8.1 खत्म करा दिया जाएगा आपका और 8.2 शुरू कराया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ, बाय।